वेलकम टू लुक्स एंड फ्लेवर्स। मैं नमिता लुक्स एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि आपके साथ में आज एक बहुत ही यूजफुल टिप शेयर कर रही हूँ। आज का हमारा टिप कपड़ों के बारे में है। हर रोज हमारे कपड़ों पर किसी न किसी तरह के स्टेन्स लगते रहते हैं, खास करके बच्चे हर रोज कपड़ों पर कोई ना कोई दाग लगा कर आते हैं, खास करके जब वो पेंटिंग करते हैं सारा कलर अपने कपड़ों पर भी लगा देते हैं। वैसे तो मार्केट में इन दागों को रिमूव करने के लिए काफी स्टेन रिमूवल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की बजाय घरेलू नुस्खों से इन दाग को आसानी से छुड़ा पाएं तो उससे हमारे कपड़ों के कलर भी बने रहते हैं और हमारे कपड़ों का टेक्सचर भी खराब नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ कुछ हाउस होल्ड टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनसे आप अपने कपड़ों के स्टेन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। इससे आप हर तरह के स्टेन्स रिमूव कर सकते हैं, चाहे चाय के दाग हो, इंक के या सब्जी के या फिर फैब्रिक पेंट के, कोई भी दाग आप इससे इजीली रिमूव कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेन्स रिमूव करने के लिए टिप नंबर 1 है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा स्टेन्स पर काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करता है। इसके लिए आप 1/2 कप बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून अपना कोई रेगुलर डिटर्जेंट ले लीजिए, जैसे कि एरियल या फिर टाइड या कोई भी आप डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हो, आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मिक्सचर को आपको स्टेन्स पर अप्लाई करना है। और मिक्सचर अप्लाई करने के लिए आप टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई माइल्ड स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल लाइट हैंड से इस मिक्सचर को स्टेन्स के ऊपर रब करना है और कुछ मिनटों तक आप इसे रब करते रहिए और उसके बाद इसको आप लगभग 30 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए और 30 मिनट्स के बाद आप इसको कोल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कपड़ों को वॉश करने के बाद आप ड्रायर का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर आप मशीन के ड्रायर में कपड़े डाल करके सुखाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उस पर स्टेन्स रह गए हैं तो वो परमानेंटली उस पर लग जाते हैं और फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो आप ड्रायर का यूज़ बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल उसको हाथों से आप वाटर से रिंस कर लीजिए और उसके बाद आप उसको नेचुरली ड्राई होने दीजिए। इससे कपड़ों का कलर भी खराब नहीं होता है और और फैब्रिक पर भी कोई असर नहीं होता है। स्टेन्स रिमूव करने का टिप नंबर 2 है लेमन। इसके लिए आप एक बोल में लेमन जूस ले लीजिए, लगभग 3 चम्मच आप लेमन जूस इसमें ले लीजिए और इसके बाद आपको कपड़े के उस पार्ट को इस लेमन जूस में सोक करके रखना है जहाँ पर स्टेन लगा है। स्टेन वाले पार्ट को लेमन जूस में सोक करके कम से कम 15 मिनट्स के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। 15 मिनट्स के बाद आप इसको लेमन जूस में से निकाल लीजिए। अब एक अलग बोल में 1 चम्मच सॉल्ट ले लीजिए और 1/2 टीस्पून लेमन जूस लेकर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस सॉल्यूशन को आपने स्पॉट्स के ऊपर अच्छे से रब करना है। रब करने के लिए आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप लेमन का यूज़ भी कर सकते हैं और कुछ मिनटों तक आप इसको इसी तरह से रब करते रहिए और इसको कम से कम 30 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कपड़ों को ड्रायर में नहीं डालना है और सिर्फ आपको इसको पानी से रिंस करना है और उसके बाद इसको आपको सनलाइट में ड्राई करना है। सनलाइट भी बहुत ही नेचुरल स्टेन रिमूवर है। कोई भी दाग धब्बा सनलाइट से नेचुरली रिमूव हो जाता है। उसको आप कोशिश करें कि सनलाइट में ही उसको सुखाएं। स्टेन रिमूव करने का टिप नंबर 3 है वेनेगर। वेनेगर भी काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है स्टेन रिमूव करने के लिए। ये डीपली स्टेन्स को रिमूव करता है। इसके लिए आप एक बोल में 3 टेबलस्पून वेनेगर ले लीजिए और 1 टेबलस्पून इसमें आप सॉल्ट ऐड कर लीजिए। रेगुलर सॉल्ट जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं वही सॉल्ट आपको लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इस सॉल्यूशन को आप किसी ब्रश की मदद से या फिर किसी स्क्रबर की मदद से कपड़े पर
जहाँ पे स्टेन लगा है वहाँ पर अच्छे से रब करिए। कम से कम कुछ मिनटों तक आप इसे रब करते रहिए और उसके बाद इसको आप 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको कोल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए। उसी तरह से आप इसे सनलाइट में ड्राई होने दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि स्टेन्स वाले कपड़ों पे आपको ड्रायर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और आपके कपड़ों के स्टेन्स जो हैं वो नेचुरली रिमूव हो जाएंगे और साथ ही कपड़ों का कलर और कपड़ों का टेक्स्चर भी सॉफ्ट बना रहेगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये कितने इजी और इफ़ेक्टिव टिप्स हैं और इनसे कपड़ों के स्टेन्स चुटकियों में रिमूव हो जाते हैं और इससे आपके कपड़ों का कलर भी ख़राब नहीं होता और आपके कपड़े भी सॉफ्ट बने रहते हैं। ये चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल भी होती हैं और इजीली अफोर्डेबल भी होती हैं। आई होप आपको आज के मेरे टिप्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज का मेरे टिप्स अच्छे लगे हैं तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और मुझे अपने कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताइएगा। बाय।